हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास फोर एंड फाइव, चलिए ध्यान दीजिए अपने क्वेश्चन पे। द एट ऑफ ए बी सी टुगेदर टोटल 185। बी इज ट्विस्ट एज ओल्ड एज ए एंड सी इज 17 ईयर ओल्डर देन ए, हाउ ओल्ड आर दे। कहने का मतलब है कि ए बी और सी का अगर एज जोड़ते हैं तो 185 ईयर है। तीन लोग हैं ए बी सी। कहता बी ट्विस्ट एज ओल्ड एज ए, तो मान लिया ए यदि एक्स ईयर का है तो बी कितना हो जाएगा, ट्विस्ट 2x हो गया। और सी 17 ईयर ओल्डर है और सी ए से 17 साल बड़ा है तो x प्लस 17 हो गया। का मतलब है तीनों को जोड़ते हैं 2x x प्लस 17 बराबर 185 आएगा। x 2x x ये कितना हो गया 4x, 17 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, 15 में से 7 गया 8, 7 में से 1 गया 6 और 1, तो x बराबर क्या आएगा 4 से डिवाइड करेंगे, x का वैल्यू आ गया 42। इसका मतलब ए 42 ईयर का है, बी दुगना है यानी 84 ईयर का है और सी ए से 17 साल बड़ा 59 ईयर का है। यही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर 3 ईयर रश्मि विल बी 3 ऑफ ईयर एज, 3 ईयर के हो 5 ईयर परसेंट एज। देखिए रश्मि का एज हमको मालूम नहीं है, हमने मान लिया एक्स, तो आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो गया। तो आफ्टर 3 ईयर वो अपने एज का 3 गुना और 3 ईयर एगो यानी 3 साल पीछे हो जाती है। यानी देखिए बैलेंसिंग करना है, x प्लस 3 बराबर है x माइनस 3, ये 3 ईयर एगो की है, जितना इस तरह उसमें 3 घटाए और इसके बाद बराबर लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3 गुना होगा। ठीक है, x प्लस 3 3x माइनस 9, x माइनस 3x माइनस 9 माइनस 3 माइनस 2x, इधर हो जाएगा माइनस 12, माइनस माइनस प्लस होता है, x में 6 ईयर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। आजकल हेलो, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना देते हैं। पेरिमीटर दिया है, लेंथ और ब्रेथ। कहता है कि लेंथ ऑफ द फील्ड बिटवीन एज दैट ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से लेंथ गिना है तो इसको मैंने एक्स मीटर मान लिया, ये 2x मीटर है। तो फाइंड एरिया, तो बी बराबर 2 ब्रेकेट ए प्लस बी होता है, एल को एल के जगह बी को बी के जगह 2 मल्टीप्लाई 3x हो गया 6x, तो x बराबर 6 डिवाइड में आ गया। भागा देके देखते हैं 2370 में 36 18 13 में से 8 जाएगा, 5 से मिल आएगा 856। यहां 9 होगा बच्चों, 69 जा 6 9 56। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक था, 3 आया 0 और 5 टाइम में कट गया। राइट आंसर ये आया 395 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स क्या था, बी था और ये
ये 395 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 5 × 10 = 18 × 6 = 7। तो एरिया बराबर एल में भी होता है, एल 790 आया और 395 मल्टीप्लाई कर देंगे 312050 मीटर स्क्वायर आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों, कहता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया 3 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ एल बी, बी को मैंने मान लिया लेट बी है एक्स सेंटीमीटर, तो ये 3 ज्यादा हो गया एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। पी का फॉर्मूला लिख दीजिए, पी 18 है, एल एक्स प्लस 3 और ये एक्स है। चलो ये बराबर में है तो दो भागा में ला दो, 9 बार में कट गया, इधर बच गया एक्स प्लस 3 प्लस एक्स, तो 9 बराबर, ऐसे भी कर सकते हैं 2x प्लस 3 ब्रैकेट से बाहर आ गया, 9 माइनस 3 2x हो गया, घटाएंगे तो 6, 2 से भागा दिए x बराबर 3, यानी कि l आ गया 6 सेंटीमीटर और b आ गया 3 सेंटीमीटर, यही आंसर। ओके नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कहता है द लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड इट्स ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ है, कहता है कि लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है ब्रेथ से, यदि ब्रेथ एक्स मीटर हम मान लेंगे तो ये एक्स प्लस 4 होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि द ब्रेथ ऑफ इंक्रीज, अब बात में कहता है ब्रेथ को यदि 1 बढ़ा दे और लेंथ डिक्रीज 2 और लेंथ को एक्स प्लस 4 में 2 घटा दे यानी एक्स प्लस 2, देन एरिया इज डिक्रीज 14 स्क्वायर, तो एरिया 14 कम हो जाता है, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, पहले एरिया 14 कम हो जाता है, पहले एरिया निकालते हैं, एरिया बराबर एल गुणे बी होता है और एक्स होगा, और इसका एरिया बराबर रेक्टेंगल है ना, इस तरह से गुणा करेंगे। अब देखिए यहां करके दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 यानी आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो एरिया 14 कम हो जाता है, इसका मतलब है प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 14, ये 14 डिक्रीज कर गया यानी ये बड़ा है, इसमें से इसको घटा दें, आप ध्यान दें एक्स स्क्वायर तो यही कट जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस है और ये दोनों प्लस में है, तो 4 और 3 7x, ये भी एक्स ही है, प्लस 2 बराबर 14। ओके लेकिन बच्चों एक चीज और जो मैंने पहले भी बताया है, ये ब्रैकेट में है, थोड़ा देर के लिए इसको काटते नहीं है, छोड़ देते हैं। अब इस ब्रैकेट से क्या अंतर पड़ेगा ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस सब पे काम करेगा, तो माइनस सब प्लस में है तो सब माइनस में आ जाएगा। अब ये तो एक्स प्लस में, ये माइनस में है, ये तो कट जाएगा, 4x प्लस माइनस 3x है तो ओनली x बच गया, तो x बराबर 2 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो 16 आ गया। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम, लेंथ
और ब्रेथ बताना है। तो ये ब्रेथ एक्स था और लेंथ चार बड़ा है, 16 जो चार 20 मीटर, यही आएगा 20 और 16 के